पूरे मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर को मतगणना होनी है। प्रदेश भर में निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतगणना की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने भोपाल में मतगणना स्थल का निरीक्षण किया, मतगणना से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लिया, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की मॉनिटरिंग का निरीक्षण भी किया गया। अनुपम राजन ने कहा कि प्रदेश भर में मतगणना स्थल का निरीक्षण किया जा रहा है, सभी जगहें व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। अनुपम राजन ने एक सवाल के जवाब में कहा कि डाक मतपत्रों को अलग रखा गया है और उनकी गिनती अलग होगी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय चुनाव आयोग को सभी रिपोर्ट्स सौंप दी गई हैं और उनके निर्देशों के अनुसार ही आगे का निर्णय लिया जा रहा है। केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत ही 3 दिसंबर को प्रदेश भर में एक साथ मतगणना होगी। इसके लिए सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए जा रहे हैं। सभी जिलों में स्ट्रॉन्ग रूम में पोल ईवीएम रखी हुई है, मतगणना स्थल की तैयारियां चल रही हैं। 3 तारीख को काउंटिंग है, उसी सिलसिले में हम लोग देख रहे हैं। कल मैं रायसेन और विदिशा का स्ट्रांग रूम देखा और काउंटिंग सेंटर देखा, आज भी भोपाल का देखा। व्यवस्थाएं ठीक हैं, सेंट्रल फोर्सेस लगी हुई हैं, लॉग बुक मेंटेन हो रही है और जो काउंटिंग हॉल्स हैं उनमें भी व्यवस्था चल रही है, काम चल रहा है। हर जो विधानसभा की काउंटिंग होती है उसमें 14 टेबलें होती हैं और उन 14 टेबल पे जो काउंटिंग एजेंट्स होते हैं वो भी वहाँ होते हैं, कैंडिडेट भी होते हैं, उनके इलेक्शन एजेंट होते हैं और काउंटिंग टीम होती है। तो पूरी तैयारी चल रही है और हम लोग सभी जगह पूरे राज्य में सभी जिला मुख्यालयों पे स्ट्रांग रूम पूर्णतः सुरक्षित हैं और आयोग के जो निर्देश हैं कि वहाँ पर सेंट्रल फोर्सेज हों, सीसीटीवी लगी हो, सीसीटीवी स्क्रीन पे स्ट्रांग रूम का जो गेट है वो दिख रहा हो। यहाँ भी मैंने देखा कैंडिडेट के जो प्रतिनिधि हैं या पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वो भी बैठे हैं अपनी जगह पे, उनके सामने स्क्रीन लगी है, कई सारे कैमरों के माध्यम से उनको स्ट्रांग रूम का दरवाज़ा ताला दिख रहा है। उनसे भी चर्चा हुई, उन्होंने भी संतुष्टि जताई और ये काम बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। खंडवा में सर 3 दिन बाद दोबारा वोटिंग होती है पोस्टल बैलेट को लेकर, वो आपने क्या केंद्रीय चुनाव आयोग को भी इसमें सजेशंस मांगे हैं? नहीं, सजेशंस नहीं मांगे हैं हमने। खंडवा में जो हुआ है उसकी रिपोर्ट भेज दी है, वहाँ पे मतदान दिनांक के बाद पोस्टल बैलेट कुछ पुलिस कर्मियों के डाले गए हैं जो अलग रखे हुए हैं। आयोग का जैसा भी निर्देश होगा वैसी कार्रवाई की जाएगी, नहीं माना जाएगा, आयोग के निर्देश की प्रतीक्षा है। इस मामले में क्या कार्रवाई भी होगी? अगेन हमने सारी वस्तुस्थिति आयोग के सामने रखी है, जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उस तरह से कार्रवाई की जाएगी।